अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आपके रहने वाले भी आपके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ जरूर कीजिए चैनल पर। अगर आप न्यू है और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो आज हम जो एक नए रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं वो रेसिपी है अरवी गोश्त शोरबा, क्योंकि मौसम गर्मियों का है और बकराई भी गुजरी है और अरवी जो है वो गर्मियों के मौसम की सबसे बेहतरीन सब्ज़ी होती है, तो इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और इसे टेस्टी सा घर में आप कैसे झटपट तैयार कर सकते हैं आज मैं उस तरीके से आपको गाइड करना चाहूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगी कि आपने जो अरवी लेनी है मोस्टली लोग उसे फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं, फ्राई किए बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं झटपट तैयार कर रही हूँ इसलिए मैं इसे फ्राई नहीं कर रही, मैं इसे मसाले में ही भून लूँगी। मैंने तकरीबन ये 1.25 किलो जो है अरवी ले ली है, दरमियाने साइज़ की आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बारीक भी नहीं। इसी तरह मैंने 4 प्याज जो हैं स्मॉल साइज़ के उन्हें अच्छी तरह से कट कर लिया है, इस तरह लच्छादार आपने उनकी कटिंग कर लेनी है। 1 प्याज ही मैंने टमाटर की प्यूरी ली है जो घर में खुद ही बॉयल करके टमाटरों को ब्लेंड करने के बाद मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा हमें जो साबुत मसाला जो चाहिए उनमें है तेज़पत्ता, बादियां फ्राई, दालचीनी और लौंग के चंद दाने, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, हसब ज़रूरत नमक और हसब ज़रूरत सुरख मिर्च और हल्दी, काली मिर्च चंद दाने, साबुत पुदीना, लहसुन का 1 चम्मच, पिसा हुआ नमक हसब ज़रूरत और ज़ीरा अजवाइन का 1-1 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। ये आपके मसाला जात हैं, 1/2 कप या 1 चम्मच जो होता है हांडी का उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। आप इसमें घी डालना चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हांडी वाले 2 चम्मच घी के लिए हैं और उनमें अब मैं अपना जो मसाले हैं उन्हें शामिल करूँगी। साबुत मसालों को पहले ही इसमें फ्राई करने का मकसद ये होता है कि उनका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से घी में शामिल हो सकें। तो सिर्फ साबुत मसाले जो हैं वो आपने इसमें शामिल करने हैं, जिनमें मैंने शामिल किया है तेज़पत्ता, दालचीनी 1 अदर, चंद दाने लौंग के, 1 फूल जो है बादियां फ्राई का। इसके अलावा 1/2 टीस्पून ज़ीरा जवैन का मैंने शामिल कर दिया है इसमें। इन चीज़ों को हम ऑयल में जब तक गर्म हो रही हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। मसाले का फ्राई होना बहुत ज़रूरी होता है, शोरबे की कोई भी हांडी हो जिसमें आपने शोरबा करना होता है उसका मसाला अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। मसाला भुना होगा तभी आपकी हांडी बेहतरीन बनेगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज, क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था तो अब मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किया है। हल्का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। प्याज को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि वो अच्छी तरह से गल सके, उसका जो कड़वापन है वो दूर हो सके और आपकी हांडी जो है वो बेहतरीन तैयार हो। इस स्टेज पर प्याज के हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हसब ज़रूरत नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अपना 1 कप टमाटो प्यूरी। अगर आप प्यूरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 3 अदद आपने टमाटर दरमियाने साइज़ के इसमें स्मॉल साइज़ की कटिंग करके डाल लेने हैं। अब हम इस मसाले को पहले थोड़ा पकाएंगे, क्योंकि हमने टमाटर की प्यूरी डाली है तो उसका थोड़ा सा पकना ज़रूरी होता है। फ्रीज की होती है, इसमें पानी भी हो सकता है, आप उसे पहले थोड़ा सा पका लीजिए ताकि मसाले में वो तैयार हो सके, देन आप इसके अंदर गोश्त शामिल कीजिए। क्योंकि मेरे गोश्त का पैकेट फ्रीज था मैंने इसी तरह ही उसे शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी, हसब ज़रूरत आपने इसमें पानी डालना है। मैं तकरीबन 2 और आधा ग्लास इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि मेरा चिकन जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल सके। गोश्त का अच्छी तरह से गला होना ज़रूरी है। मैंने तकरीबन 1 kg गोश्त इसके अंदर लिया है, 1/4 किलो अरवी ली है और 1 किलो गोश्त इसमें शामिल कर रही हूँ। गोश्त मैंने मिक्स शामिल किया है इसमें, हड्डी वाला और हड्डी के बगैर जो गोश्त है यानी गोल बोटी का गोश्त, ये दोनों मिक्स करके जो पैकेट मैंने रेडी किया है वो पैकेट मैंने इसमें शामिल किया है। अब आपका मसाला जो है वो पीसना ज़रूरी है, आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर दिया था वो भुन चुका है। 1/2 डन भुनाई के अंदर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अरवी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके नमक वाले पानी में शामिल किया हुआ था। हम मुकम्मल जो मसाला है उसके फ्राई होने से पहले पहले इसके अंदर शामिल करेंगे अरवी को, ताकि अरवी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो सके। आपने जो अलहदा से उसे ऑयल के अंदर फ्राई करना है वो आप मसाले में भी फ्राई कर सकते हैं, इससे आपकी अरवी को शोरबे का जो मसाला होगा वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा और बहुत मज़ेदार टेस्ट आपको देगा।
अब आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अरबी को जो है फ्राई करना है। अरबी का फ्राई होना ज़रूरी है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक आप इसे फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। मसाले में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। देन आप इसमें हस्बे ज़रूरत जो शोरबा करना चाहते हैं वो शामिल कीजिए और उस पर 1/2 कप आपने एक्स्ट्रा डालना है ताकि अच्छी तरह से आपकी अरबी भी गल जाए और आप जो शोरबा जितना रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो आपके पास इसमें शामिल हो। 2 अदद सब्ज हरी मिर्च जो है उनको कट लगा कर आपने शोरबे को पकने से पहले ही इसमें शामिल कर देना है। इस तरह आपकी सुर्ख मिर्ची का और जो टेस्ट आएगा वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर शामिल कीजिए धनिया, फ्रेश पुदीने के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल जो था वो धनिया था तो मैंने उसे फ्रेश कटिंग चॉप करके शामिल कर दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे पकाने के बाद हमारा गोश्त का शोरबा जो है वो तैयार हो चुका है, यानी अरबी गोश्त शोरबा हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये मज़ेदार और थिक सा शोरबा हमने इसका तैयार कर लिया है। अब आप इसे नींबू के साथ सर्व कीजिएगा। मेरी रोटी पराठे के साथ इसे खाइए, बेहतरीन आपको ये महसूस कराएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त हांडी है, गर्मियों के मौसम के दौरान आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार और बच्चे शौक से इसे खा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू एपिसोड आपको रिसीव हो सके और आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।